नमस्कार, मैं एसके राजीव समाचार प्लस की खास पेशकश मुखिया जी जिंदाबाद लेकर हम पहुंच चुके हैं समस्तीपुर जिले के सकरपुरा पंचायत में। हसनपुर ब्लॉक के अंतर्गत ये पंचायत पड़ता है। यहाँ की कुल आबादी 7000 है, जिसमें पुरुष की संख्या 4000 और महिला की संख्या 3000 के करीब है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के मुखिया प्रत्याशी प्रमोद कुमार महतो जी। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जिंदाबाद में। बोला जाए प्रमोद जी, जो एक बड़ा सवाल है कि आपके जहन में क्या ऐसा आया कि चुनाव लड़ा जाए और फिर आप मुखिया के लिए मैदान में आ गए? आप वेरी गुड क्वेश्चन किए हैं सर। मुझे चुनाव लड़ने की कोई अभिलाषा नहीं थी, परंतु सकरपुरा पंचायत के भोले भाले जनता के अपील पर मैं यह चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, ताकि मैं इस सकरपुरा पंचायत के भोले भाले जनताओं के साथ जो भ्रष्टाचार होता है, मेरी लड़ाई उसी के खिलाफ है। लोगों ने, जब मैं यहाँ पंचायत के हर एक घर घर गया तो मुझे यही सुनने को मिला कि हमें जो इंदिरा आवास मिला है, शौचालय मिला है, इसमें काफ़ी धांधली है। जो सरकार से जो मिलती है राशि, वो जनता के पास सलामत नहीं पहुंच पाती, उसमें उसके रास्ते में रुकावट ही रुकावट है। मेरी लड़ाई उसी के खिलाफ है कि सरकार जो भी राशि सकरपुरा पंचायत के ग्रामवासियों को देगी, हमारा यही संकल्प है कि उस राशि को सभी जनताओं के बीच, सभी जनताओं के खाते में 100% जाए। और मुझे किसी तरह की लोभ लालच नहीं है। मैं यहाँ के बदहाल सड़क को देखकर मुझे बहुत ही, जब कहीं भी जाता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके गांव का क्या हाल है, बहुत पहले गया था, सड़क की दशा वही है क्या? तो मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि नहीं नहीं, हमारे गांव में पक्की सड़क भी बन चुका है। अगर कोई कहते हैं कि मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, कुछ लोग, तो मैं ये करके कि नहीं, अभी गांव में नहीं हूँ, इसलिए मत आइए। ये तो प्रमोद जी आप अच्छा करते हैं, क्योंकि हम लोग भी अभी गाड़ी से आ रहे थे तो गाड़ी भी चलने में बड़ा हिचकिचा रही थी आपकी सड़कों पर। जी, तो इसलिए मना कर देते हैं कि अभी गांव में नहीं है, आप लोग जब आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी। क्योंकि सोचता हूँ कि जब वो लोग आएंगे तो क्या कहेंगे कि प्रमोद कुमार महतो, जिसे लोग यहाँ के 10 गांव में लोग जानते हैं, और उनके गांव में आज तक एक सड़क भी नहीं बन पाया है, इसलिए मैं शर्मिंदा से लोगों को मना कर देता हूँ। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप, और फिर आप ही के गांव में सड़क नहीं है। ये सौतेला व्यवहार किया जाता है। यहाँ के जो भी प्रतिनिधि आज तक बने हैं, पता नहीं इस गांव वालों से क्या दुश्मनी है या क्या बैर भाव है, जो हमारे सड़क की दशा को खराब किए। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की क्या स्थिति है आपके यहाँ, क्योंकि सड़क तो दिख नहीं रहा है? स्थिति तो अब मैं, आप अगर जाते गली गली तो आपको खुद पता चल जाता। जब ये सर मेन सड़क की ये हाल है, तो और की बात तो मैं क्या कह सकता हूँ। सरकारी नल का पानी पीते हैं आप लोग? हाँ, पीते तो हैं, जरूर पीते हैं। सरकारी नल में मिला जुला के काम चला है, ऐसी बात नहीं है कि लगभग घर घर पानी पहुंचा है। भले उसमें क्या कहता है, जो उसकी नल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या जहाँ 500 फीट नीचे जाना चाहिए था वहाँ 300-250 फीट ही किया गया है, पानी उतना साफ नहीं है, ये सब सारी बातें हैं। कितने वार्ड हैं आपके पंचायत में? 13 वार्ड हैं, और मैं प्रमोद कुमार महतो 12 वार्ड का नागरिक। नाला बना है कि नहीं आपके यहाँ? जी नहीं, नाला 1 इंच भी नाला कहीं नहीं बना है। प्रमोद जी, जो अभी आपसे बातचीत की शुरुआत हुई तो आपने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, कहाँ कहाँ करप्शन है आपके यहाँ? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा करप्शन है इंदिरा आवास और शौचालय, या फिर बुजुर्गों को जो वृद्धा पेंशन मिलता है उसमें भी
200-400 रुपये प्रति महीना मिल, उसमें भी लोग ले लेते हैं पैसे, कमीशन ले लेते हैं। उनका पेंशन भी खा जाता है जी, बुजुर्गों के पैसे पेंशन भी 50% खा जाता है। आपको कभी करप्शन का सामना करना पड़ा है? मुझे करप्शन का सामना करना नहीं पड़ा। और जिस दिन मुझे फर्ज से समझौता करना पड़ेगा, उस दिन मैं जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन मैं अपने फर्ज से कभी बेईमानी नहीं। प्रमोद जी, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है मानव के जीवन में। एक तो अभी आपके पंचायत में शिक्षा की क्या स्थिति है, और अगर आप मुखिया बनते हैं तो शिक्षा को लेकर के क्या कुछ रोड मैप आपने तैयार किया है? शिक्षा के मामले में जब मैं प्रतिनिधि बन जाऊंगा तो मैं प्रत्येक महीना इस पंचायत में जितने भी स्कूल हैं एक बार निरीक्षण अवश्य करूंगा, और मैं सभी बच्चों के पिता माताओं से अपील करूंगा कि वो अपने बच्चा को स्कूल भेजें, और टीचर से भी यही अपील करूंगा कि आप लोग जितने भी यहाँ के बच्चे हैं उसको अपने बच्चे समझकर और उसको ढंग से अच्छी शिक्षा दें। अभी शिक्षा के मामले में जो है, आज तक तो कोई प्रतिनिधि स्कूल में झांकने तक नहीं जाते हैं कि किस बदहाल जिंदगी से गुजर रहा है बच्चा। मिड डे मील की भी वही स्थिति है। स्वास्थ्य की स्थिति कैसे इलाज करवाने जाते हैं लोग जाते हैं हसनपुर जाते हैं, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपके पंचायत में एक भी अस्पताल नहीं है? नहीं, सेक्टरपुरा पंचायत में अस्पताल नहीं है। अपने विजय में तो क्या करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के? अगर मैं जीतता हूँ, प्रतिनिधि बनता हूँ, तो एक पंचायत भवन भी बनवाऊंगा सेक्टरपुरा पंचायत के अंतर्गत, और स्वास्थ्य केंद्र हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम 2 स्वास्थ्य केंद्र जरूर इस पंचायत में। बड़ा सवाल है, अमूमन जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो जो भी निवर्तमान मुखिया हैं या फिर जो मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं वो बड़ा लंबा दबाव वादा करते हैं कि हम जीतने के बाद यह करेंगे वह करेंगे। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आप भी जब जाते होंगे जनता से मिलने के लिए तो वादों की एक लंबी फेहरिस्त होती होगी आपके हाथ में, प्लानिंग क्या क्या है आपके पास? निश्चित रूप से हम वादा करते हैं जनता के बीच में। जहाँ भी जाता हूँ तो हमने पहले ही चुनाव जिस दिन नामांकन किया था उसी दिन मैं हजारों जनता के बीच में मैंने ये घोषणा कर दिया कि अगर मैं प्रतिनिधि बनता हूँ सकरपुरा पंचायत का, तो यहाँ के जितने भी नागरिक हैं सभी अपने आप को प्रतिनिधि समझेंगे, यानी सभी नागरिक मेरे भाई चाचा जितने भी हैं बुजुर्ग सभी अपने आप को मुखिया समझेंगे। और हमने यह भी घोषणा कर दिया कि अगर मैं प्रतिनिधि बनता हूं तो किसी को इंदिरा आवास अथवा शौचालय या वृद्धा पेंशन में किन्हीं को एक पैसा खर्च नहीं होगा, और सरकार का 100% पैसा लाभार्थी को मिलेगा। रोजगार की क्या स्थिति है? आपके यहाँ से भी लोग पलायन कर रहे हैं क्या? निश्चित रूप से पलायन तो ऐसे तो हर जगह से होता है, लेकिन यहाँ से भी पलायन होता है क्योंकि गांव का भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं है, सड़क नहीं है, और ऐसे यहाँ के किसान सब्जी उगाते हैं अधिकतर और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इलाके के लोगों का सहारा खेती है? हाँ, लगभग खेती पर निर्भर है। मिल पाता है फसल का उचित मूल्य क्या कहा जाए? सब्जी का तो कोई रेट फिक्सेशन है नहीं, आज है 25 रुपये तो कल 10 रुपये भी बिकता है। फसल क्या है यहाँ की? यहाँ का गन्ना है मुख्य फसल। मुझे एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है कि जनता आखिर आपको ही अपना वोट क्यों दे, आपको ही अपना जनप्रतिनिधि क्यों चुने? अब ये मैं कैसे कहूँगा कि मैं बिल्कुल दूध का धोया हूँ, ये तो जनता कहेगी।
ये जन यहाँ के सकरपुरा पंचायत की जनता में अगर आप घूमेंगे तो अवश्य ही पता चल जाएगा कि प्रमोद कुमार महतो एक कैसा कैसा कैंडिडेट है, यह जनता बता दी। जीतने के बाद कोई एक आप वादा कीजिए अभी हमारे चैनल पर, जो जीतने के बाद सबसे पहले वो काम आप करेंगे इस इलाके के लोगों के। हाँ, जीतने के बाद में सबसे पहले जहाँ सड़क नहीं है, जिन गलियों में सड़क नहीं है अथवा पीसीसी नहीं हुआ है, सबसे पहले हम उसकी पूर्ति करेंगे। एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि करप्शन की लगातार आप चर्चा किए हैं उस समय से, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जीतने के साथ अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करेंगे जनता के बीच में? जनता के बीच में जीतने के बाद नहीं, अभी भी मैं सार्वजनिक कर सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जब कभी जरूरत पड़े आपको भी तो सार्वजनिक करने में हमें कोई एतराज नहीं। एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, किस राजनेता से प्रेरित है? मैं आदर्श तो मोदी जी को मानता हूँ, उनका जो COVID-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन का जो प्लानिंग है वो लगभग 90% लगभग एक्यूरेट तो मैं अभी नहीं बता बन सकता हूँ, लेकिन 90% लगभग सफल हो चुका है और आगामी बहुत जल्द ही वो 100% तक भी ले आएंगे। ये प्रमोद जी थे हमारे साथ बात करने के लिए, मुखिया के प्रत्याशी हैं यहाँ से, और प्रमोद जी के शब्दों में अगर माने तो ये अगर जीतते हैं तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को इस पंचायत से दूर करेंगे और इस पंचायत में सड़कों को अपने स्तर से पूरी कोशिश करेंगे कि जीतने के साथ ही सड़कों का निर्माण हो ताकि यातायात इस पंचायत के लोगों का सुगम हो सके। फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।